हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रेन में मेरे साथ आज स्कैम हो गया। मतलब क्या ही बताऊं, आज का पनीर भेज थाली 140 रुपया बोल के मुझे बस आलू वाला भेज थाली ही दे दिया है। आप देख सकते हो, ये देखो, इसमें बस आलू ही है, कितना सारा आलू, पनीर का एक टुकड़ा ही नहीं। अब करूँ तो करूँ क्या। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि क्या हुआ, कैसा हुआ। और मैं ट्रैवल कर रहा था रायपुर टू राउरकेला, और इस बीच हो गया मेरे साथ स्कैम, जो कि पूरा का पूरा 140 रुपये का स्कैम है, क्योंकि हमें बताया कुछ और प्लेट में मिला कुछ और। ये जब पूछे हम उनसे, तो वो बोला कि वो IRCTC से डायरेक्ट आता है, तो बिना चेक किए कैसे वो हमको भेज थाली दे देते हैं पनीर बोल के। ये सारी वीडियो आपको पूरा मिलेगा यहीं पे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करो ये ग्रीनी ग्रीन भरी व्यूज़, बहुत ही अच्छे व्यूज़ है, लास्ट तक देखिए। तो गाइज, मेरा नाम विष्णु है, जैसे कि आपको पता होगा जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं रोज़। तो मैं ट्रैवल कर रहा था रायपुर टू राउरकेला, और मैंने बुक किया था सेकेंड AC। जी हाँ, रायपुर टू राउरकेला बुक किया था सेकेंड AC में। तो मुझे लगा था कि सेकेंड AC में कुछ अच्छा खाना मिलेगा और हमें भेज खाने वाला था, तो मैंने ऑर्डर किया था एक पनीर भेज थाली। पनीर भेज थाली में हम लोग तो उम्मीद करते हैं पनीर हो, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया तो 12 बजे का टाइम दिया था, लेकिन खाना आते आते 2 घंटा लेट हो गया था। 2 घंटा लेट में खाना आया 2 बजे, और 2 बजे जब खाना आता है, खाने में मुझे क्या मिलता है, खाने में सलाद मिलता है, आलू की भजिया मिलती है। आलू की भजिया में राइस, जो कि बहुत ही हार्ड राइस था, कसम से बहुत ही हार्ड राइस था। और जो पूरी मिला था, पूरी पूरा का पूरा, मतलब वो सूख गया था, मतलब आप तोड़ भी नहीं सकते, ऐसा हो गया था सिचुएशन। फिर मैंने चेक किया कि भाई मैंने पनीर का पैसा दिया है, तो पनीर कहाँ गया, पनीर को मुझे ढूंढना पड़ा, लेकिन एक एक कतरा पनीर का मुझे नहीं मिला, समझ सकते हो ना, एक कतरा पनीर का मुझे नहीं मिला। फिर तो दोस्तों 12 बज चुके हैं और टाइम है अभी खाने का, मगर खाना अभी तक नहीं आया है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि खाना कब तक आएगा। तो मैं थोड़ा सा सो गया था, तो जैसा कि मैंने बोला कि अभी तक खाना नहीं आया है, मैं देख रहा हूँ कि शायद खाना थोड़ा आ जाए, खाना आ गया तो मैं खा लूँ, क्योंकि मैंने 7:50 को ट्रेन पकड़ा था और अभी 11:30 तक हो रहा है, खाना आ जाए तो कुछ खा लूँ, वरना ऐसे ही पड़ा रहूँगा। और भाई ये सेकेंड AC है यार, सेकेंड AC, मतलब जब पैसे दिए होते हैं ना, कुछ दिमाग में रहता है कि ठीक है, जो जो था ना बेड बहुत ही अच्छा था, कंफर्टेबल था, मस्त था, लेकिन सिर्फ आप बेड को लेके नहीं जाते हैं, आपको खाना भी चाहिए होता है। पूरा को पूरा आलू ही है, देख सकते हो, और ये राइस और पूरी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं खा नहीं सकता, दाल भी नहीं खा सकता। तो वो 140 दे के मैंने बस आलू ही खाया है, क्योंकि आलू मुझे पनीर ढूंढना था, इसलिए आलू खाना पड़ा कि शायद आलू के शेप में पनीर होगा, मगर नहीं, ये आलू ही था। तो आपने जो देखा वो दाल था, राइस था, जो पूरी था, मुझे पूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि खाने लायक नहीं था, अगर खा लूँगा तो शायद मेरा पेट ख़राब हो जाएगा, और मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ इसलिए छोड़ना पड़ा। तो ये देख लो, ये सेकेंड AC का टायर है, देख सकते हो, जिनको पता है उनको पता ही होगा। तो गाड़ी तो अच्छे से चल रहा है। ये था मेरे आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, सब्सक्राइब।